गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र जायसवाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। मैं आज आपसे बात करना चाहता था, सर्दियों में जो जोड़ों के दर्द या जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए क्या करा जाए, उनसे कैसे बचा जाए और उनके लिए क्या उपयुक्त उपाय है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, जो नॉर्मल जोड़ भी दर्द और सूजन क्रिएट करते हैं, प्लस जो जोड़ ऑलरेडी बीमार हैं या जिनमें कोई किसी भी तरह की कोई भी रोग या कोई भी क्षति है, उन जोड़ों में भी दिक्कत ज़्यादा होती है, बशर्ते कि और किसी सीजन के। जैसे ही मौसम चेंज होता है, जिन जोड़ों में कोई भी तरह की प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही है, वो सडनली और दिक्कत देने लगती है। मूलतः देखा जाए तो हम दो तरह के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ग्रुप, जो जिस जिन जोड़ों की शुरुआत आप मान लीजिए कि 50+ एज ग्रुप में शुरू हो जाती है, जोड़ों का घिसना, खराब होना और उससे होने वाली दर्द, सूजन और मूवमेंट्स में जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, इन जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न, ये तीनों चीज़ें बढ़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सब जोड़ों में ऐसा हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा डेफिनेटली होता है कि टेम्परेचर्स के गिरने के साथ, मौसम चेंज होने के साथ ये जोड़ों में चेंजेस आने लगती हैं और इसमें दर्द बढ़ता है, मूवमेंट रुकता है, जिससे और तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरा ग्रुप अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा रिट्री आर्थराइटिस होती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जोड़ों में कभी कभार सूजन और दर्द आता है, लेकिन सर्दियों में आने से ये इनमें बढ़ावा मिलता है और जो जोड़ पहले थोड़े बहुत दर्द कर रहे थे या जिनमें थोड़ी बहुत सूजन थी, उनकी सूजन बढ़ सकती है और दर्द और बढ़ सकता है। या जो जोड़ या जो जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं था, जो शांत थे, जो रेमिशन फेज में थे, जो बिल्कुल क्लियर थे, उनमें दर्द और सूजन की शुरुआत हो सकती है। अगर हम देखा जाए तो इसमें मेल ग्रुप में एक यूरिक एसिड का होने वाला जो आर्थराइटिस है, वो भी एक्टिव हो जाता है। अगर यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं है और विंटर शुरू होती हैं, सर्दियां शुरू होती हैं, तो उसके साथ यूरिक एसिड के वजह से भी जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकता है। जो जोड़ शांत थे, उनमें भी जोड़ों का दर्द और सूजन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? एक ऑफ कोर्स जो भी आपके पास ऑर्थोपेडिक सर्जन या अस्थि रोग विशेषज्ञ जो भी अवेलेबल हो, उनसे कंसल्ट करना तो आवश्यक है ही है, सो दैट वो होने वाले कारण को अच्छे से समझ के और उसके लिए अप्रोप्रिएट दवाइयाँ और जो उपाय हैं उनको यूज कर सके। लेकिन कुछ बातें, चाहे वो यंगर ग्रुप हो या ओल्डर ग्रुप हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ घिसने वाला हो या फिर इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस से ग्रसित हो, हमें कुछ चीजें तो फिर भी समान है। एक, अपने जोड़ों को ठंड से बचाना, अपने आप को ठंड से बचाना। सो जोड़ों को कवर करके रखना, वार्म रखना, ये बहुत ही हेल्प करेगा जोड़ों में दर्द और वो ना उत्पन्न हो, अकड़न ना उत्पन्न हो। प्लस डायरेक्ट कोल्ड जो है, जैसे ठंडी हवा है, बाहर की हवा है, उससे बचना, उससे अपने जोड़ों को बचाना, कवर करके रखना, वार्म रखना, जो भी उपाय हैं अपने आप को वार्म रखने के जोड़ों को, उनको बिल्कुल यूज करें सो दैट वो ना हो। दूसरी चीज है, सर्दियों की वजह से जोड़ों में आर्थराइटिस की वजह से जो दर्द होता है, उसके एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कारण हो जाता है अकड़न, यानी कि जोड़ों को मूवमेंट्स ना होना, अकड़ जाना, मांसपेशियां ठंड में थोड़ी सी रिजिड हो जाती हैं, सो जिसकी वजह से मूवमेंट्स करने में दिक्कत आती है। मूवमेंट्स ना होने से दर्द और सूजन को भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है। तो इसके लिए हमें सिंपल अपने जोड़ों को मोबिलाइज करना, जैसे भी आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जोड़ मूव नहीं करते हैं तो जोड़ में एक स्टिफनेस पैदा हो जाती है। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने जोड़ों को मोबिलाइज करना है, उनको हरकत पे लाना है।
उनको धीरे 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 करके, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप 5-10 मिनट उनको हरकत में लाएंगे, धीरे धीरे उनकी अकड़न और स्टिफनेस खत्म हो जाएगी और वो रिलैक्स हो जाएंगे। एक दूसरी चीज है जोड़ों में वार्म्थ पहुंचाना थ्रू फर्मेंटेशन, और उसका सबसे आसान और अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल पैड्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जोड़ों को के मॉइस्चर को, नमी को, पानी को कहीं ना कहीं ड्रेन करती हैं। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका है अपनी जोड़ों को गर्माहट पहुंचाने का, वो तरीका है कपड़े को गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के उस कपड़े से करें, यानी गीली गीली हीट, पानी जो गर्म है, क्योंकि पानी आपके स्किन का, आपके टिश्यूज का मॉइस्चर या नमी को निचोड़ेगा नहीं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि हम गीले कपड़े से, कपड़े को गीले पानी में डुबो के निचोड़ के उससे सिकाई करें। तो सिकाई करना, कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं उनका यूज, प्लस मोबिलाइज करना, और प्लस अपनी सर्दियों को बचाना। ये तो 3-4 ऐसे बेसिक नुस्खे हैं जो हमें तैयार रहना चाहिए और इनको तुरंत हमें इसको एप्लीकेशन में लाना चाहिए अगर हमें सर्दियों की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू होता है। अगर इसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है और दिक्कत बनी रहती है, तो मेरे ख्याल से हमें किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि ये इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, और आवश्यक हो तो उसके लिए दवाइयां या कुछ और जरूरत चीजें अगर हैं तो उनका इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, उनकी एडवाइस पे, उनकी सलाह पे हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है जोड़ काफी डैमेज है, जो डैमेज जोड़ कंट्रोल में चल रहे थे वो अब इतना दर्द देने लगे कि आपको दिक्कत होने लगे, तो फिर मेरे ख्याल से जैसा भी आपके स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भी आपको सलाह दे, दवाइयाँ या कोई शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स या इवन कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स वो हो, उनकी उनसे डिस्कस करने के बाद आप इसका डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट और क्या सही है।